बढ़ते हैं आगे। महागठबंधन सरकार रोजगार को लेकर सक्रिय दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 183 उर्दू अनुवादक और उर्दू कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्कूल बनेगा, हर जिले में वक्फ बोर्ड की जमीन पर प्लस टू स्कूल बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग शुरू से ही लगे हुए हैं। 2008 में हमने तय किया कि जितने भी स्कूल हैं उसमें उर्दू के लिए भी बहाली होनी चाहिए, माध्यमिक विद्यालय में भी उर्दू शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। हमने उर्दू के विकास के लिए कई काम किए हैं। इस समारोह में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। हमको तो जो संभव काम कर, लेकिन अब बात जिस समय इतना करते रहे, हम आपको चर्चा क्या के लिए कर रहे हैं? हम प्रचार के लिए नहीं चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा इसलिए करते रहे कि इन सब चीजों को याद रखिएगा और याद करके इसको और आगे बढ़ाने के लिए आप पूरे तौर पर कोशिश करिएगा। उर्दू अनुवादक और अन्य उर्दू कर्मियों का और अन्य कर्मियों का आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया और इस अवसर पर लोगों का नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। आज के समारोह में 142 उर्दू अनुवादक, 5 सहायक उर्दू अनुवादक, 5 निम्न वर्गीय लिपिक उर्दू और 27 निम्न वर्गीय लिपिक हिंदी कुल 183 पदों का पर नव नियुक्ति अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। तभी तो बहाली कर सके हैं, ये 183 पदों की बहाली कर रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि कुल स्वीकृत पद तो माने पद को स्वीकृत किया गया है 2247 पद स्वीकृत कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि अभी तो कमी है, तो इसलिए हमने जो इनको कहा है तो उसके लिए अब 1294 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में। अब आज तो इतने लोगों को मिला, एक दिन आप समझ लीजिए 1294 लोगों को मिलेगा, वो भी ज्यादा दिन नहीं है, उतने लोगों को मिलेगा। नीतीश जी के नहीं जाने का एकमात्र यही कारण था। और एक देखिए मैसेज चला गया, मैं तो गोपालगंज भी था, मोकामा भी था, जो उनका जो वोट बेस है, उनका जो आधार वोट है, उसमें ललन सिंह का कोई प्रभाव नहीं, उपेंद्र